हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ERCP के बारे में। ERCP बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है तुम्हारे गॉल ब्लैडर को लेके, और ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, तुमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली पहले तो फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, फुल फॉर्म होता क्या है इसका, ठीक है ना। फुल फॉर्म ही नहीं पता बच्चों को, ठीक है। तो क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। अभी मैं फाइनल ईयर में था और अभी जस्ट स्टार्टिंग में मेरा पहला वार्ड लिविंग पड़ा था, ठीक है ना। मेरे को इतना पता था कि रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी होता है, ठीक है ना। अब लेकिन ई से ना मेरे को याद आया, ई से मेरे को याद आ रहा था कि इलेक्ट्रो, मैं इलेक्ट्रो बोला, सर ने मेरे को फेल करके भगा दिया, ठीक है ना। तो बाद में बहुत समझ में आया कि वो एंडोस्कोपिक था, मेरे को इलेक्ट्रो पता नहीं उस टाइम पे याद आ रहा था, ठीक है ना। तो एंडोस्कोपिक है, ये याद रखना कि ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है। तो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी ये होता है इसका नाम, ठीक है पूरा। तो ये क्या है, इट इज़ अ रेडियोग्राफी ऑफ कोलेंजियो बाइल डक सिस्टम एंड पेनक्रियाटिक डक सिस्टम। तो बेसिकली इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। नाम में क्या है, कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, मतलब कोलेंजियो मतलब बाइल डक्ट का और पेनक्रियाटिक सिस्टम डक सिस्टम का, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। रेडियोग्राफी दोनों का रेडियोग्राफी है। रेट्रोग्रेड यूज हियर बिकॉज कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड फिल्स द बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक सिस्टम इन अ रेट्रोग्रेड मैनर। यहाँ पे रेट्रोग्रेड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो हमने इंजेक्ट किया वो रेट्रोग्रेड मैनर में पेनक्रियाटिक डक्ट को और बिलियरी डक्ट को भरता है, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस है कि ये डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक है, दोनों है। डायग्नोस्टिक भी, डायग्नोसिस बनाता है, और इसी से हम लोग थेरेपी भी कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक भी होता है ये। साइड व्यूइंग इंडोस्कोप इज यूज, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, साइड व्यूइंग इंडोस्कोप को यूज करते हैं। रिमूव स्टोन फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। अगर डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक क्यों है, क्योंकि डिस्टल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट से हम लोग क्या होता है, स्टोन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ERCP के थ्रू पुट स्टेंट मेनली फॉर डिस्टल बिलियरी स्ट्रक्चर्स। तो अगर डिस्टल बिलियरी कोई स्ट्रक्चर हो गया, मान ले कि बाइल डक्ट में डिस्टल, मतलब कि डिस्टली तो इंटर करते हैं, डिस्टल बिलियरी स्ट्रक्चर हुआ तो वहाँ पे हमने स्टेंट डाल दिया, वो खुल गया, तो स्ट्रक्चर को ही ठीक कर सकता है स्टेंट के थ्रू। प्रोसीजर्स का कैसे होता है, प्रोसीजर बेसिकली प्री प्रोसीजर चेक फॉर कोएगुलेशन इज एसेंशियल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग प्री प्रोसीजर चेक करते हैं किसके लिए, कोएगुलेशन के लिए, ठीक है ना। कोएगुलेशन के लिए एसेंशियल हमने चेक करना है कि कोएगुलेशन तो प्रोफाइल डिरेंज तो नहीं है। और इंडोस्कोप इज पास टू अप टू ड्यूडेनम थ्रू ओरल कैविटी। पहले हम लोग इंडोस्कोप डालते कहाँ से, ओरल कैविटी के थ्रू डालते हैं, ड्यूडेनम तक पास करते हैं, स्टमक एंड ड्यूडेनम, ओरल कैविटी स्टमक एंड ड्यूडेनम टू रीच स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई विच इज कैन्यूलेटेड। तो हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई पे, जो कि कैन्यूलेटेड होता है। और कंट्रास्ट मीडिया यूजली 25% हाइपेक को यूज करते हैं हमने, इज इंट्रोड्यूस टू दिस कैन्यूला अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। अभी जो स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई है वो कैन्यूलेटेड है, हमने मुंह से डाला और स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई के कैन्यूलेशन पे पहुंचे, वहाँ पे हमने क्या डाला, 25% हाइपेक डाला थ्रू दिस कैन्यूला अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में 25% हमने हाइपेक डाला। बोथ बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट सिस्टम फिल बाय कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। तो दोनों हमारा बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम ये जो होता है भर जाता है किससे, कॉन्ट्रास्ट से। देन एक्सरे हम लोग ऑप्टेन करते हैं, इसके साथ हमने क्या किया, एक्सरे को ऑप्टेन किया। अभी इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, स्टोन प्रेजेंट इन द CBD विल प्रोड्यूस फिलिंग डिफेक्ट। अगर मतलब मान लो कि CBD में, कॉमन बाइल डक्ट में तुम्हारा स्टोन है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है तो फिलिंग डिफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके आगे बाइल मतलब कॉन्ट्रास्ट जा ही नहीं पाएगा तो फिलिंग डिफेक्ट दिखाएगा। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में शो डायलेटेड पेनक्रियाटिक डक्ट्स एंड स्टोन्स द पेनक्रियाटिक डक्ट चेन ऑफ लेक अपीयरेंस। अगर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है तो ये क्या होगा, डायलेटेड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट दिखाएगा, उसके साथ मल्टीपल स्टोन्स भी दिखा सकता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, तो उसी को क्या कहते हैं, चेन ऑफ लेक अपीयरेंस कहते हैं। तो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होगा, बेसिकली जो है डायलेटेड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होगा और स्टोन्स होगा वेरी जगह, स्टोन्स इन पेनक्रियाटिक डक्ट, उसको कहते हैं चेन ऑफ लेक अपीयरेंस, राइट। पेरीएम्पलोरी कार्सिनोमा गिव राइज टू इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट। तो पेरीएम्पलोरी कार्सिनोमा हुआ तो वो क्या करता है, एक इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट बनाता है वहाँ पे। पेरीएम्पलोरी कार्सिनोमा क्या करता है, वो इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट बनाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ERCP हमारे ये क्या क्या है, तो ये जान लो। इफ अ स्टोन इन द CBD इज फाउंड ऑन द ERCP, अगर स्टोन हमें CBD में मिल गया ERCP पे, दैट इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट द सेम टाइम बाय द इंडोस्कोप। क्यों हम लोग इसको डायग्नोस्टिक प्लस थेरेप्यूटिक कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस अगर हमने ERCP किया और हमें स्टोन मिल गया वहाँ पे, डायग्नोसिस हो गई कि हमारी स्टोन मिल गया वहाँ पे, ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उस स्टोन को निकाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एट द सेम टाइम।
स्फिंक्टरोक्टमी इंसाइजिंग द स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, हम लोग स्फिंक्टरोक्टमी कर सकते हैं, ठीक है ना, हमने इंसाइज कर लिया स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई को, कैन बी डन टू मेक द पैसेज वाइड, हमने इंसाइज कर लिया किसको, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई को, ये करते हैं क्योंकि हम लोग इसका जो है स्फिंक्टरोक्टमी क्यों करते हैं, कैन बी डन टू मेक द पैसेज वाइड विच फैसिलिटेट्स द एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल स्टोन्स, हमने स्फिंक्टरोक्टमी इसलिए किया क्योंकि हम लोग चाहते हैं उसी मतलब कि स्फिंक्टर के थ्रू हमारा जो है स्मॉल स्टोन बाहर आ जाए, ठीक है, स्फिंक्टरोक्टमी करके एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल स्टोन हो जाए। इफ एनी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सीबीडी, अगर कोई भी स्ट्रक्चर फाउंड हुआ सीबीडी में, देन वैल्यू डायलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी डन, ERCP के थ्रू हम स्टेंट डाल के वैल्यू डायलेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, अगर स्ट्रक्चर मिला हमने डिस्टल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट में, स्टेंटिंग ऑफ बाइल डक्ट स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियाटिक डक्ट स्ट्रक्चर, स्टेंटिंग कर सकते हैं बाइल डक्ट स्ट्रक्चर का और पैनक्रियाटिक डक्ट स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का। ब्रश साइटोलॉजी ऑफ ट्यूमर टू प्रोवाइड अ टिश्यू डायग्नोसिस, हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रश साइटोलॉजी कर सकते हैं ट्यूमर का टू प्रोवाइड अ टिश्यू डायग्नोसिस, ठीक है, टिश्यू डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं ब्रश साइटोलॉजी से, ठीक है ना, मतलब कि ब्रश साइटोलॉजी लेके वहाँ पे क्या कर लिया हमने, ब्रश के थ्रू वहाँ पे साइटोलॉजी के ट्यूमर के ऊपर जो झड़का और हमें टिश्यू डायग्नोसिस करने को मिल जाएगा। इंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड ऑफ द बेबी ट्रैक्ट इज पॉसिबल यूजिंग बेबी स्कोप, ठीक है ना, तो इंट्रोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट, अगर तुम्हें इंडोल्यूमिनल ल्यूमिन के अंदर का अल्ट्रासाउंड चाहिए बिलियरी ट्रैक्ट में, तो ये बेबी स्कोप से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ERCP कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास कॉम्प्लिकेशंस का एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रहना चाहिए, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ERCP, इसलिए हम लोग ERCP जनरली मतलब नहीं करते अगर पैनक्रियाज का देखते हैं लेवल बहुत ही अच्छा नहीं है। कोलेंजाइटिस हेंस द कोलेंजाइटिस कर सकता है ये, क्योंकि भाई अब कोई भी बाहर से हम सामान डाल, मान लो कि वो स्टेराइल नहीं था तो वो बाइल डक्ट में गया एंड वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो कोलेंजाइटिस कर सकता है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स आर ऑलवेज यूज विद द प्रोसीजर, इसीलिए हम लोग प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स को हमेशा यूज़ करते हैं प्रोसीजर के साथ। ब्लीडिंग और परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम रिलेटेड टू स्फिंक्टरोक्टमी, अगर स्फिंक्टरोक्टमी कर रहे हैं या स्फिंक्टरोक्टमी कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो गया या परफोरेशन हो गया ड्यूडेनम का, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ ERCP के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ अगर पूछना हो। मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।